जय हिंद दोस्तों, मैं निखिल कंडुलना, भाजपा अध्यक्ष रनिया प्रखंड। मित्रों, कल कोरपा में निकाले गए मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं। यह हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य और दुख की बात है। इस स्वतंत्र भारत में, इस लोकतांत्रिक देश में इस तरह का कृत्य हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह धर्मनिरपेक्ष देश है, मानते हैं हम, सभी धर्मों के यहाँ सम्मान है, आदर है। हम भी सभी धर्मों, सभी कौम का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। परंतु कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ राष्ट्र विरोधी नारे लगाए, विदेशी झंडे लहराए, यह हमें कतई बर्दाश्त नहीं। भारत माता का सम्मान करना जानते हैं, माँ भारती संतान है, इस मिट्टी में पलने वाले बढ़ने वाले हैं, यहाँ का अन्न खाते हैं, यहाँ का जल पीते हैं, यहाँ का वायु में सांस लेते हैं। यह भारत माता हमें भरण पोषण करती है। और यहाँ कुछ असामाजिक तत्व, कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें, कुछ फिक्का प्रेस परस्त ताकतें भारत माता का अपमान करेगी, यह हमें कभी बता दें। यह वीर बिरसा मुंडा की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, सुभाष चंद्र बोस की धरती है, विवेकानंद की धरती है, जोरावर सिंह की धरती है, फतेह सिंह की धरती है, बुधू भगत की धरती है, फूलो झानो की धरती है। यहाँ अनेकों महापुरुषों ने अपनी बलिदानियाँ, अपनी कुर्बानी दी हैं, तभी यह देश आज़ाद हुआ है। और इस आज़ाद और स्वतंत्र भारत में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, और हम तिरंगा के तले हम रह रहे हैं, और तिरंगा हम शान से फहरा रहे हैं। और यहाँ तिरंगा फहराने के बजाय यहाँ रहने वाले लोग फिलिस्तीन के झंडे फहराएं, या हमें कतई बर्दाश्त नहीं, या हमें कतई मंजूर नहीं। दोस्तों, हमें आज जागने की आवश्यकता है, हमें एकजुट रहने की आवश्यकता है। इस तरह की राष्ट्र विरोधी ताकतों को हमें कुचलने की आवश्यकता है। जय हिंद, भारत माता की जय।